खरगोन जिले में मंगलवार को धर्मवीर सिंह ने एसपी पद का पदभार ग्रहण किया, जहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत करके शुभकामनाएं भेंट की। हम आपको बता दें कि खरगोन उपद्रव घटना के एक माह बाद शासन के आदेश अनुरूप जिला कलेक्टर एसपी सहित एएसपी को हटाया गया। ऐसे में सतना से पधारे एसपी धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करके खरगोन की कमान संभाली। नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। जिले की कमान संभालने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी, इसके अलावा सामाजिक पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि अपराध और अपराधी दोनों कम हो सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस की तो जो टॉप प्रायोरिटी है पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर रहता है, कानून व्यवस्था तो सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा पुलिस का जनता में विश्वास कायम हो, पुलिस जनता के लिए काम करे, स्ट्रीमलाइन काम करे, प्रायोरिटी रहती है। पुलिस की जो कार्यशैली है, जो शासन की जो मंशा है, पुलिस मुख्यालय की मंशा है, हमारे आरक्षक से लेकर एसपी तक उस मंशा के अनुरूप काम करें तो निश्चित रूप से पुलिस का भी जनता में विश्वास कायम होगा। दूसरा, जितने प्रकार के संगठित क्रिमिनल्स हैं उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी लगातार काम कर ही रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को नियंत्रित करने की दिशा में पुलिस स्ट्रीमलाइन काम करेगी, इसको मैं एंश्योर करूँगा। सर, संवेदनशील जिलों में आता है खरगोन, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? पुलिस की प्राथमिकता बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है, पब्लिक ऑर्डर और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उसको कंट्रोल करते हुए आम जनता में जिस दिन पुलिस का भरोसा कायम हो जाएगा उस दिन सारी समस्या अपने समाप्त हो जाएगी। पब्लिक को ट्रस्ट होना चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे और कानून के मुताबिक काम करेंगे। जिस प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट जो संगठित अपराधी हैं उनकी हम विशेष रूप से निगरानी भी करेंगे, उस पर उदाहरण सेट करेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम समाप्त हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।